हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आपको मालूम होगा जब भी हमारी मंथली अर्निंग जितना भी हम यूट्यूब से कमाते हैं या फिर पर डे या वीकली या 10 डे जो भी हम कमाते हैं तो उसकी जो अर्निंग रहती है वो हम गूगल एडसेंस पर जाकर ईजिली देख लेते थे। कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने RPM रेट चल रहा है, क्या मतलब ये सब कुछ हम अपना गूगल एडसेंस पर जाकर देख लेते थे। लेकिन अभी जो नया अपडेट है कि गूगल एडसेंस पर आप अपने ये सब डेटा को नहीं देख पाएंगे, जैसे कि अर्निंग या कुछ भी नहीं देख पाएंगे, तो इसको अब शिफ्ट कर दिया गया है क्रिएटर स्टूडियो, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पर। यहाँ पर आप अपने सारी अर्निंग देख सकते हैं, RPM रेट देख सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनको आप रीड कर सकते हैं, क्या क्या आपके चैनल पर चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा अगर आप भी एक क्रिएटर हैं, सीखना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और जल्दी से सीख लेते हैं कि कैसे आप अपनी मंथली अर्निंग या वीकली अर्निंग या फिर पर डे यूट्यूब की अर्निंग चेक करेंगे। वेल दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल एडसेंस में मैं दिखा देता हूँ कि अभी आपको यहाँ पर अगर आप अपने डेटा देखना चाहेंगे, अर्निंग वगैरह ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा। पहले यहाँ पर रिपोर्ट के साथ में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देता था ओल्डर वर्जन का, जिसे सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डेटा चेक कर पाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर वो हटा दिया गया है। तो यहाँ पर एक मैसेज भी फ्लैश हो रहा है, लुकिंग फॉर योर यूट्यूब डेटा, गो टू यूट्यूब एनालिटिक्स। तो अगर आपको अपना डेटा देखना है तो यहाँ पर आपको एनालिटिक्स में जाना होगा यूट्यूब में, तो यहाँ पर आप लर्न मोर कर सकते हैं या फिर डिसमिस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से यूट्यूब पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएटर स्टूडियो में हूँ और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा एनालिटिक्स का। आप जैसे ही इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर ओवरव्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे आपको नीचे करना है और सी मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर टैप करना है बस। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो, ट्रैफिक सोर्स, जियोग्राफी, व्यूअर एज, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे की ओर अगर स्क्रॉल करते हो जितनी भी वीडियोज़ आपके चैनल पर रहती हैं उसका सारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप वीडियो पर सेलेक्ट किए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 95,796 कुछ व्यूज़ हैं, ये सारा कुछ आपको इंप्रेशन, वॉच टाइम वगैरह सारा कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है दोस्तों कि अर्निंग कैसे चेक करें। तो यहाँ पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे मोर मैट्रिक्स पे जाएंगे और मोर मैट्रिक्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू का जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यहाँ पर आपका योर एस्टिमेटेड एडसेंस रेवेन्यू, ये सब यहाँ पर यूट्यूब एड रेवेन्यू यहाँ पर सारा कुछ दिखाई दे रहा। तो चलिए मैं यहाँ पर एडसेंस की जो रेवेन्यू पे मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 79.91 जो डॉलर है यहाँ पर मुझे अब तक 28 दिन में जो अर्न हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है लास्ट 28 डेज़। तो यहाँ पर आप कस्टम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मई मंथ को सेलेक्ट कर देता हूँ और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे मई को तो यहाँ पर दोस्तों पूरा डेटा आ जाएगा मई मंथ का। तो यहाँ पर आप अर्निंग देख सकते हैं $31 के आसपास की अर्निंग है और व्यूज़ देख सकते हैं 39,639 और इसके साथ साथ जितनी भी वीडियोज़ पर जितने जितने अर्निंग हुई है वो सारा यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम डेट जैसे कि कोई सिंगल डेट के लिए आप चेक करना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ पर 12 को सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों सिंगल डे का भी यहाँ पर डेटा आ जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं है लेकिन व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं 3155। तो यहाँ पर आप सारा डेटा ले सकते हैं जैसे कि सब्सक्राइबर कितने गेन हुए हैं, वॉच टाइम क्या मिला है, ये सब आप देख सकते हैं। ट्रैफिक सोर्स है, जियोग्राफी में आप कंट्रीज़ वाइज देख सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफी पे आप टैप करते हैं आपको किस कंट्री से कितने व्यूज़ मिले हैं। तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर टैप किया तो नीचे की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि इंडिया से यहाँ पर मेरे को कितने व्यूज़ आए हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है तीसरे नंबर पर, फिर यूनाइटेड स्टेट है, तो यहाँ पर सबसे टॉप पर इंडिया है, तो इंडिया से सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। इसी तरह से आप सारे डेटा को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सीख लिया है कि आप कैसे एनालिटिक्स में जाके, यूट्यूब एनालिटिक्स में जाके अपने डेटा को चेक कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो में सीखने को कुछ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें। जय हिंद।